तेरा पंथ के अंतर्गत अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल की एक विशेष भूमिका है, जो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और सोशल दोनों ही एक्टिविटीज को एक साथ रखते हुए महिलाओं के चहुमुखी विकास के लिए काम करता है। बताया कि सोशल और स्पिरिचुअल, ये दोनों एक्टिविटीज हम एक साथ लेकर चलते हैं। स्पिरिचुअल में हो गया हमारे जो जैनिज्म के स्टडीज होते हैं, जैन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो हमारे जीवन को बेटर बनाने के लिए जैन जीवन शैली को जीवन में उतारने का प्रयास हम करवाते हैं, और उसी के साथ जो हमारी सोशल एक्टिविटीज है उसके अंतर्गत हमारी तीन योजनाएं हैं, स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज, आओ चले गाँव की ओर और कन्या सुरक्षा योजना। तो इन तीनों के अंतर्गत हमारी 525 शाखाएं हैं जो ऑल ओवर इंडिया, नेपाल एंड भूटान। एक नारी लोक एक पत्रिका आती है हमारी संस्था की तरफ से, और वो हमारे 525 शाखा मंडल को जाती है। तो जो भी ये सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं हम हमारे 525 शाखाओं को देते हैं, और एवरी मंथ वो उन एक्टिविटीज़ को करती हैं। अब स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज के अंतर्गत हमारे लगभग 100 फिजियोथेरेपी सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया चलते हैं। हमारे जो सेमिनार्स हैं, आज भी आपने देखा कि हम मुंबई महिला मंडल के तत्वावधान में हम आयोजित कर रहे हैं इम्पैक्ट 360 डिग्रीज। उसमें जितनी भी प्रबुद्ध महिलाएं हैं महाराष्ट्र की, पूरे महाराष्ट्र से यहाँ एकत्रित हुई है, और तलाक जो एक बहुत बड़ी समस्या आज समाज के सामने आ रही है, उसके लिए हम मिल बैठकर चिंतन करेंगे कि ये समस्याएं क्यों आ रही है और उसका निवारण करने का हम प्रयास करेंगे। और कन्या सुरक्षा योजना, ये भी हमारी एक बहुत सुदृढ़ योजना है जो गत 25 सालों से हम इसे चला रहे हैं, और इसके अंतर्गत देश भर में हमारे लगभग 80 कन्या सुरक्षा सर्कल गवर्नमेंट की मदद से हमने बनाए हैं, जो आपके मुंबई में भी अगर मैं देखूँ तो 8 से 6 सर्कल मुंबई में भी बने हुए हैं, सर्कल या स्तंभ जो चौराहों पर, जिसे हम गवर्नमेंट की परमिशन के बिना बना नहीं सकते, तो गवर्नमेंट ने हमें ये अनुमति भी दी है, काफ़ी स्टेट्स में हमें अनुमति मिली है। तो और इस प्रकार कन्याओं के रिलेटेड भी हम बहुत कार्य करते हैं, और हमारी मुख्य योजना समृद्ध राष्ट्र योजना, जिसके अंतर्गत हम गाँवों का विकास कर रहे हैं, गाँवों में ट्यूशन सेंटर, हमारे सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, टैंक्स बनवाना, और अभी सबसे सघनता से हम जो काम कर रहे हैं वो है स्वच्छ भारत अभियान। चूँकि मृदुला जी सिन्हा जब वो थी, उन्होंने हमारे महिला मंडल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था स्वच्छ भारत अभियान का, तो इसके अंतर्गत हमने हजारों टॉयलेट ब्लॉक्स हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं, डस्टबिन्स, 6-6 महीने तक हम ग्रामीण स्कूल्स में हमने प्रशिक्षण दिया है कोविड के पूर्व, लगभग 350 स्कूल्स के प्रिंसिपल्स के हमारे पास ऑथोराइज उनके सील किए हुए लेटर्स हैं जो बताते हैं कि हमारी जो शाखाएं हैं वो 6 महीनों तक उन्होंने वहां जाकर प्रशिक्षण दिया है। तो इस प्रकार विभिन्न योजनाएं हैं जिस पर हम काम करते हैं, हम बेंचेस बना रहे हैं, अभी हमने 2 दिन पूर्व ही कुर्ला स्टेशन पर उद्घाटन किया था, जहां हमारी बेंचेस जो लोगों को सुविधा तो देती ही है, और उसके साथ ही साथ करनी है जीवन की रक्षा, कन्याओं की करो सुरक्षा, ये स्लोगन हमारा चल रहा है। और स्नेहम प्रोजेक्ट जो मुंबई महिला मंडल ने भी काफ़ी सघनता से किया है, और देश के लगभग हमारा टारगेट था कि आज़ादी के 75वें वर्ष पर 7,500 बच्चों को कम से कम एक प्रॉपर एजुकेशन, अगर मूक बधिर बच्चों को ब्रेल बुक्स हो या सॉफ्टवेयर हो या जो भी उनकी पाठ्य सामग्री हो, स्पेशली उन अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, ये तो ये हमारी मुख्य योजना समृद्ध भारत के अंतर्गत इस वर्ष चल रही है। मैं रचना हिरन, अध्यक्ष तेरापन महिला मंडल मुंबई। राजनीति में अगर महिलाएं आना चाहे, चाहे वो तेरा पंथ की जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकती है, लेकिन अभी तक हम उसमें नहीं आए हैं, लेकिन काफ़ी एरिया में कोई बहनें इस क्षेत्र में भी आगे आई है। और अगर जिस दिन तेरापन धर्म संघ की बहनों ने ये ठान लिया कि हमें भी राजनीति में आकर के आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली वो भी कभी प्रतिभा पाटिल भी बन सकती है और बहुत ही ऊंचे स्थान पर अपना एक मुकाम हासिल कर सकती है। लेकिन जहां हम देखते हैं कि काफ़ी बार राजनीति में बहुत विरोधाभास होता है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होता है, साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ता है, लेकिन जैन धर्म का जो सिद्धांत है उसके अनुरूप अगर हम कार्य करने की सोचते हैं, तब वह सिद्धांत हमारे थोड़े अनुकूल अगर नहीं बैठते हैं तो हम लोग थोड़ा सा उसमें पीछे रह जाते हैं, अपनी सोच को थोड़ा वहाँ हम स्टॉप कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, महिला शक्ति बहुत ही एक अपनी अस्मिता अलग ही रखती है, और वो जिस दिन चाहे वो राजनीति में आकर के अपना नया मुकाम हासिल कर सकती है। महामंत्री अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल,
जैसा कि सर ने कहा कि हमने तो शहर में जन्म लिया है, लेकिन एक ऐसा भी भाग है जहां महिलाओं का उत्पीड़न होता है। तो सर मैं कहना चाहूँगी कि हम केवल एक क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने बताया कि हम आओ चलो गांव की ओर की योजना भी हम करते हैं। उस योजना के अंतर्गत हमारा उद्देश्य ही यही है कि गांव के जो लोग हैं उनको सामाजिक दृष्टि से उत्थान करना, उनका जो लाइफस्टाइल है उसको ऊपर उठाना। तो गांव में केवल पुरुष नहीं होते, हमारा जो मेन फोकस होता है वो स्त्रियों पे होता है, क्योंकि हमारी महिलाओं की एनजीओ है। तो हम महिलाओं के पास जाते हैं, गांव की महिलाओं के पास, क्योंकि जनरली जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होती महिलाएँ, उनमें देखा गया है कि वो कमाई करती हैं लेकिन उसके हस्बैंड जो होते हैं वो शराब पीते हैं, जनरली ये बात बता रही हूँ, और महिलाओं का उत्पीड़न होता है। तो हम उन महिलाओं को प्रशिक्षण देते हैं, उनको पाँव पे खड़े होने का तो प्रशिक्षण देते ही हैं, आर्थिक दृष्टि से वो उनको हम अलग अलग तरह से प्रशिक्षण दे के ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, साथ में उनको हम आत्मशक्ति विकास करने का कि अपनी सक्षमता को कैसे, पुरुष जब उनके ऊपर उत्पीड़न करता है तो अपने आप को कैसे पावरफुल बनाना, शरीर के दृष्टि से नहीं लेकिन अपने एक आत्मविश्वास की दृष्टि से उसे कैसे लड़ना, वो हम उनको प्रशिक्षण देते हैं। कई महिलाएं जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होती हैं, वो शराब वगैरह भी अगर उनको नशा है तो हम उनसे भी उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, उनको वो प्रशिक्षण। कहने का मतलब ये कि उन महिलाओं को भी हम हर दृष्टि से सक्षम बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई भी महिलाएं शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर ना रहे और जो शोषण होता है उनसे वो बचने का प्रयास करें। भ्रूण हत्या की जो बात थी उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हमारे सम्माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारे 525 ब्रांचेस हैं, तो आपको ये भी हम बताना चाहेंगे कि हमारे महिला मंडल की इस देश विदेश में एक विंग भी है जो हमारे अंतर्गत चलती है कन्या मंडल की विंग, और उसमें हमारे देश भर की जो बेटियां हैं उनका ये विंग चलता है, और जहां पर उन बेटियों को एम्पावर किया जाता है, जिसके अनुरूप हमारे जो भी आगे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं उनको लड़ने की शक्ति उन्हें दी जाती है, और ऐसे ही एम्पावरमेंट का कार्य कन्याओं के बचपन से ही उनके उनके लिए किया जाता है। भ्रूण हत्या की बात, और जैसे आपका सवाल था कि आगे महिला मंडल क्या काम करना करने का सोच रहे, तो जैसे कि हमारी चार मुख्य योजनाएं हैं उसमें जो चारों योजनाएं स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज, उसके अंतर्गत जो आपने महिला उत्पीड़न की बात की थी, तो हम विभिन्न क्षेत्रों में हमेशा मुझे लगता है कि हफ्ते में 6 दिन हमारे कोई ना कोई ब्रांच में एक सेमिनार चलता है जो स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज को लेकर चलता है, जिसमें उत्पीड़न की बात हो, एक्सप्लॉयटेशन की बात हो, उस पर हम कैसे महिलाओं को एम्पावर कर सके, उसके हमारे सेमिनार चलते, तो उसको हम और आगे बढ़ कर देना चाहेंगे। दूसरी